हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके आगे कीवर्ड लगा रहता है वर्चुअल, और जो सिर्फ बेस क्लास में डिक्लेयर होते हैं और उन्हें हम डिफाइन डिराइव क्लास में करते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन जिनके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा हो और उनका सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ हो, उनकी जो बॉडी रहेगी, एक्चुअल में उनकी जो फंक्शनैलिटी रहेगी, वो हम जो डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास रहेगी उसमें हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? वर्चुअल फंक्शन, जिनकी बॉडी नहीं रहती है, जिनकी फंक्शनैलिटी नहीं रहती है, सिर्फ डिक्लेरेशन रहता है, वो फंक्शन होते हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन डायनामिक होते हैं, मींस रन टाइम पे ही एक्सिस्ट करते हैं, उन्हें हम स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। मतलब कंपाइल टाइम पे हम उन्हें बाइंड नहीं कर सकते हैं, वो डायनामिक इन नेचर रहते हैं। हमेशा वो बेस क्लास में ही डिक्लेयर होते हैं और उसे हम रिडिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास में। रिडिफाइन कैसे करेंगे? ओवरराइड करके। ओवरराइड में हम उसे उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिखेंगे ओवरराइडिंग के थ्रू। तो सिर्फ बेस क्लास में उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है और उनको ओवरराइड करके हम चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्चुअल फंक्शन को रन टाइम पे कॉल करते हैं क्योंकि वो डायनेमिक रहते हैं, रन टाइम पे ही एग्जिस्ट करेंगे, स्टैटिक नहीं रहते हैं। हम वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस कैसे कर पाएंगे? अब डिक्लेयर तो हमने कर दिया, रीडिफाइन कैसे करेंगे? ओवरराइड के थ्रू। एक्सेस कैसे करेंगे हम? उन्हें पॉइंटर या रेफरेंस के थ्रू। वर्चुअल फंक्शन को हम एक्सेस कैसे करेंगे, मींस कॉल कैसे करेंगे? बाकी फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन के नाम से कॉल कर लेते हैं, बट वर्चुअल फंक्शन ऐसे कॉल नहीं होते हैं। वर्चुअल फंक्शन हमेशा पॉइंटर या रेफरेंस के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे हम। अब इससे वर्चुअल फंक्शन से हम क्या अचीव कर सकते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉइंटर और रेफरेंस के थ्रू हम उन्हें एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे। तो अगर इस टाइप से हमने पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा अचीव कर लेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, सिर्फ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होता है। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ही होता है, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। यहाँ पे हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। वर्चुअल फंक्शन के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड एक और जगह यूज होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम जो अरेज होती है, वहां पे हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन तब हम यूज करते हैं जब हमें उस क्लास का नाम पता है, उस क्लास के अंदर फंक्शन क्या क्या होंगे ये पता है, बट उनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या रहेगी ये नहीं पता है। तो वहां पे हम वर्चुअल फंक्शंस का यूज करते हैं। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन में हम जो भी वर्चुअल फंक्शन जीरो से इनिशियलाइज रहता है, वो वर्चुअल फंक्शन क्या हो जाता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऐसा वर्चुअल फंक्शन या ऐसा फंक्शन जो जीरो से इनिशियलाइज हो, मतलब उसका सिर्फ नाम पता हो, उसकी बॉडी अभी नहीं पता हो, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा? उसकी बॉडी किससे इनिशियलाइज हो? जीरो से। आगे जाके ओवरराइड करके हम उसे रिडिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो जीरो से इनिशियलाइज हो, वो फंक्शन होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन से हम एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, वो क्लास नॉर्मल क्लास नहीं रहती, वो क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है।
एक ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन, कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है अगर, तो वो क्लास अब क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहां पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, एक एनिमल क्लास है। एक एनिमल क्लास के अंदर हमें पता है उस एनिमल का एक फंक्शन है मूव। अब ये फंक्शन हमें पता है कि मूव नाम का एक फंक्शन होगा, बट आगे जाके जब हम उसे इनहेरिट करेंगे तो डॉग इनहेरिट करेगा, तो डॉग का अपना एक मूव फंक्शन रहेगा, वो अलग तरीके से मूव करता है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग रहेगी। कैट है तो कैट भी मूव करती है, मूव फंक्शन को अचीव करती है, बट इनहेरिट कर रही है वो, बट उसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी रहेगी, वो अलग टाइप से मूव करेगी। एक और क्लास है कंगारू, तो कंगारू अलग टाइप से मूव करता है, वो इस फंक्शन को यूज कर रहा है, बट उसकी जो बॉडी रहेगी, उसकी जो फंक्शनैलिटी रहेगी या उसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो वहां पे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन जीरो से इनिशियलाइज होता है। कैसे चेक करेंगे हम कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है कि नहीं? ऐसा कोई भी फंक्शन जो जीरो से इनिशियलाइज हो वो फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। इसे हम आगे ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड करना ही पड़ता है। तो एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है अगर, तो वो क्लास क्या हो जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन जीरो से इनिशियलाइज किया जाता है। कैसे सिंटेक्स क्या है प्योर वर्चुअल फंक्शन का? कैसे हम बनाएंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन? वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। अब आगे चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास में हम उसे डिफाइन करेंगे ओवरराइड करने के थ्रू। तो आज हमने देखा वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट्स।